शांति मेरे शरीर का नाम आशा बब्बर मैं चौबीस साल से ज्ञान में चल रही हूँ तो ऐसे है भाई जी जैसे भक्ति मार्ग में हमारे माता पिता ने ना मंदिर बनवाया है हमारे बिल्कुल घर के दरवाजे के सामने बिल्कुल मंदिर बनवाया हुआ तो उस मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं जो भी भक्ति मार्ग में करते हैं वो ही हम सब कुछ करते हैं तो एक दफ़ा ना हमारे घर में चिट्ठी आई उसमें शिव बाबा का थोड़ा सा मतलब उस समय तो मेरे को समझ नहीं थी तो शिव बाबा का ऊपर उन्होंने चित्र बनाया हुआ तो थोड़ी सी कमेंट्री उन्होंने बोली ओम शांति मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ श्रेष्ठ आत्मा हूँ महान आत्मा हूँ मैं परम परमात्मा की संतान हूँ मेरा घर परम धाम है तुम तो आत्मा का घर भी परम धाम है इसलिए उन्होंने बोला भी इस चिट्ठी को आप ये मत सोचना कि ये कहाँ से आई है तो उन्होंने बोला आपके शहर में कहीं भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम का मतलब सेंटर हो मतलब सेवा केंद्र हो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको मतलब सारी समझ मिल जाएगी परमात्मा कौन है और कैसे उसको उन्होंने को याद करना है तो फिर आस्ते आस्ते मेरे मन में ये बात बैठ गई तो मैं ऐसे ही मतलब बीच बीच में ना हमारे घर के थोड़े मंदिर था हमारा अपना तो उनको तो खराब लगेगा ना मैं कहीं और जाऊंगी तो तो वो बोल रहे थे कि आप मतलब मैं उनको बोला कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी मैं बीच बीच में ना सबसे पूछ रहे ब्रह्मा कुमारी का आश्रम कहाँ है एक दफ़ा हम गए रामलीला ग्राउंड में वहाँ पर पूछा किसी ने बोला भी रामलीला ग्राउंड में आश्रम मैं वहाँ पे गई वहाँ से पूछा वो कहने लगे यहाँ नहीं है वो टांगा एजेंसी में चले गए हैं फिर ऐसे ही हमारा कोई मतलब किसी काम के जरिए हमको टांगा एजेंसी भी जाना पड़ा एक दफ़ा तो हम वहाँ गए तो वहाँ से भी हमने पूछा भी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहाँ है उन्होंने बोला वो तो इधर नहीं है पहले टांगा एजेंसी में था अब तो चले गया मतलब टांगू रोड में चला गया तो फिर ऐसे ही सहयोग से मतलब कोई हमारे रिश्तेदार बीमार थे वीना मिश्रा पास ही है हमारे आश्रम के साथ ही है तो वहाँ पे मैं आई तो उन्होंने बोला किसी से मैंने पूछा मैं कहा यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहाँ उसने मेरे को पास जल्दी बता दिया ये देखो बाबा का झंडा लगा हुआ आप जा सकते हो कभी भी आपको जाना हो तो फिर बस मेरे मन को शांति होगी अब अब मैं टिकाणी पहुँच गई हूँ अब मैंने आश्रम तो जाना ही जाना कैसे भी करके जाऊँ तो घर वाले तो मतलब नाराज थे भी मैं कहीं ना जाऊं लेकिन मैं चोरी चोरी उनके बता के नहीं गई तो मैं एक दिन आश्रम आई आई तो भाई जी ने मेरे को पहला लाइसेंस दिया आत्मा का तो जब हमारा मंदिर या सारी दुनिया वहाँ पे आ रही है तो मैं उससे निकल के इधर आऊं तो सबको खराब लगेगा तो वो फिर ऐसे ही ना मैंने भाई जैसे आत्मा तक ज्ञान लिया फिर फिर समय लगी फिर हम तो रोज जल चढ़ाते हैं मंदिर में अपने शिव लिंग प्यार तो पूजा करते हैं पाठ करते हैं जो भी हम दीप के जलाते हैं धूप से जलाते हैं सब कुछ करते हैं तो ये तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये तो आसानी से मेरे को कंट्रास्ट का पता चल गया भी सही भगवान कौन है फिर परमात्मा के ज्ञान के बारे भी में पता चला कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है कण कण में नहीं है मतलब किसी के अंदर नहीं है जो सभी लोग कहते हैं हमारे अंदर ही आत्मा अंदर ही परमात्मा है ये भी हमारे ये भी हमारा क्लियर होया तो फिर मेरा मन उठ गया कि हमने पूजा पाठ नहीं करनी है कि हमने जो भी बाबा का सही परिचय है उस पर ही हमने चलना है तो मैं को सारी समझ चली भी कैसे कैसे परमात्मा को याद करने का तरीका भी सिखाया परमात्मा कहाँ रहते हैं उनका नाम क्या है सारी क्लियर कट समझ लगी तो फिर हमने ये सोचा भी हमने आश्रम को नहीं छोड़ना है तो एक हमारे बहन जी जो आदरणीय बहन जी सत्य बहन जी वो इतना प्यार करते माँ से भी ज़्यादा स्नेह देते हैं इतने अच्छे हैं फिर ऐसे ही हम क्लास करते रहे फिर बहन जी ने स्ने प्यार से मधुबन लेके गए आज तो कितने साल हो गए हर साल हम जाते हैं कोई कभी भी मिस नहीं किया मधुबन में हम परमात्मा आते हैं तो हम कितना खुशी से हम उत्साह से जाते हैं तो दुनिया को तो पता नहीं हो तो अभी भी मंदिरों में कंदरों में, में ढूंढ रही है तो हमें तो पता चल गया कंट्रास्ट का पता चल गया मंदिर में हम सारी पूजा पाठ करते थे तो इसका क्या रिजल्ट है और ये बिल्कुल सच्चाई सामने एक एक चीज़ क्लियर कट मतलब हमें समझ आ रही है तो इसलिए फिर मैंने अपने मंदिर में जाना बंद कर दिया तो मेरे सास और ससुर नाराज़ हो गए कि सभी दुनिया आती है तो आप डिसर्वस कर रहे हो आप मतलब न्यादरी कर रहे हो मंदिर की आप उधर जा रहे हो आपको ये अच्छा नहीं है आपको तो लेकिन मैं जो भी हुआ मैं अपने आप मंदिर जाती रही अपने आश्रम आती रही मंदिर में नहीं जाती ठीक है कभी दिन भर होता है तो सत्संग होता कुछ कोई बुलाए तो चली जाती हूँ ये नहीं मैं नफ़रत करती हूँ क्यों हमारा अपना खुद का मंदिर है ऐसे भी अच्छा नहीं लगता तो जाना तो पड़ता दुनियादारी में लेकिन मैं मतलब ज़्यादा बाबा के घर में आई हूँ मधुबन में देखा बहन जी का प्यार देखा स्नेह प्यार देखा तो भाई जी ने मैंने मेरे को लेसन कराया साथ का, मेरे को बहुत अच्छा लगा तो आज तक मैं बाबा के ज्ञान में चल रही हूँ बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा है पढ़ाई भक्ति अलग है और ज्ञान अलग कंट्रास्ट का पता चल गया मेरे को कि भक्ति अलग है भक्ति का फल ही ज्ञान है तो भक्ति अलग या ज्ञान अलग है तो आज तक हम बाबा के बस एक बाबा दूसरा ना कोई बस हम तो यही बाबा से मतलब करते हैं हमारा तो कोई दुनिया में है ही नहीं एक बाबा बस दूसरा ना कोई ओम शांति